साजापुर पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर सुजालपुर मंडी पुलिस थाना पर पहुंचे। वहां मंडी पुलिस थाना प्रभारी संतोष वाघेला के साथ प्रेस वार्ता में पकड़े गए आरोपियों से संबंधित जानकारी दी। एसपी ने कहा कि शहर में इलाके की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने में जन सहयोग की जो मुहिम सुजालपुर में चल रही है वह सराहनीय है। मंदिर में चोरी करने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साजापुर जिले के सुजालपुर थाना क्षेत्र के गाँव मगरानिया में महालक्ष्मी मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया था। साथ ही सुजालपुर मंडी फ्रीगंज के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भी चोरों ने चोरी की थी। वहीं पिपलेश्वर महादेव मंदिर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। उक्त अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गंभीरता दिखाई और त्वरित चोरों की तलाश में जुट गए थे, जिससे कामयाबी हाथ लगी है। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। देखिए, सीसीटीवी कैमरे आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जब लॉ एंड ऑर्डर होता है, उस दृष्टि से कानून व्यवस्था की दृष्टि से और चोरों से या किसी भी तरह की संदिग्ध घटना को रोकने के लिए और उसको पकड़ने के लिए आज के समय में सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पर सुजालपुर मंडी एरिया में थाना प्रभारी की पहल से जन सहयोग से कैमरा लगाने की तैयारी चल रही है और लगभग सभी लोग इस बात को लेके सहमत हैं। हमारा जो पुराना पुलिस थाना था, पुलिस चौकी थी, वहाँ पर इसका कंट्रोल रूम रहेगा और थाना प्रभारी ने पूरे शहर का सर्वे किया है और कौन से धार्मिक स्थल है जहाँ पे लगाना आवश्यक है, कौन सा जुलूस का मार्ग है, कहाँ कहाँ सुनसान एरिया है, कहाँ संदिग्ध लोगों का आवागमन है, ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं और जल्दी ही इस काम को जन सहयोग से, आप लोगों की मदद से, सारे पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, थाना प्रभारी का सहयोग करें, जिससे हम एक अच्छा आधुनिक ये सीसीटीवी कैमरे शहर को दे सके और इनका उपयोग शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर सके, ये हमारा प्रयास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।